राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर अंबाला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बंतु कटारिया, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, 10 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 समाप्त किया गया। कश्मीर में जहां मुख्यमंत्री जाने से डरते थे, वहां जाकर झंडा लहराया गया, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही संभव हुआ है। वहीं बंतु कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में भारत का नाम है। देश ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी क्षेत्र में उन्नति की है। देखिए, मोदी जी की गारंटी है और देश को मोदी जी की गारंटी पे पूरा विश्वास है, और मुझे तो नहीं याद इससे पहले किसी नेता ने अपनी गारंटी के ऊपर पूरे देश को विश्वास दिलाया, और बहुत बड़ा रिस्क होता है नहीं तो, क्योंकि उनको देश की जनता पे विश्वास है और देश की जनता को उन पे विश्वास है। तो मुझे इस पे कोई भी कहने में संशय नहीं है कि देश ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आएंगी और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी आंटी जी बंतु कटारिया जी, इनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर 25 तारीख को वोट करें, क्योंकि हम अपना सांसद चुनते हैं और हमारा सांसद ही हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनता है, और हमारे को उनके रूप में एक बहुत ही अच्छा, नेक दिल, साफ छवि वाले व्यक्ति मिल रहे हैं जो उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे संसद में। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के लिए प्रधानमंत्री जी के दिल में विशेष प्यार है और हरियाणा का भी प्रधानमंत्री जी के लिए विशेष प्यार है, इतना ही कहना चाहता हूँ। और ये आपके माध्यम से कहूँगा कि 10 की 10 सीटें जीत के हरियाणा के लोग प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। सर, है कि उस गठबंधन का या कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री का कौन प्रत्याशी है, कौन कैंडिडेट है? हमारे पास एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 10 साल के कार्यकाल के अंदर देश को दिखाया है कि वो उन्होंने देश के लिए क्या किया है, उनकी रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, पूरे देश को पता है, और यहाँ पर कोई है ही नहीं, सामने कोई है ही नहीं। कौन है प्रधानमंत्री या कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी? अगर आपको जानकारी हो तो हमें भी।